वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं वीडियो किस टॉपिक के और बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो में पूरी बात करेंगे, पूरी अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि अगर आप न्यू टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो या अगर आपने न्यू टैटू बनवा चुके हो लेकिन उस पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो चुका है, आर्म से, बाइसेप से, कहीं भी, या उस पर घाव हो चुका है किसी भी कारण की वजह से, तो आप उस घाव को लेकर, अपने टैटू को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, कहीं भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे आप मात्र थोड़े दिनों के अंदर अंदर अपने जो टैटू के ऊपर इन्फेक्शन या घाव हो चुका है उसे प्रॉपर अच्छी मात्रा में ठीक कर सकते हो, वो भी कैसे, अगर आपका जो घाव है वो ही ठीक होगा और जो आपका जो टैटू का कलर है वो बिल्कुल भी डल नहीं पड़ेगा, जो ओरिजिनल उसकी जो शेप थी वही शेप में वो आ जाएगा। बस आपको एक महीने का अपने टैटू के ऊपर अगर ज़्यादा घाव है तो अपने एक महीने के अंदर अंदर आपका जो टैटू है एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, मेरी वीडियो को बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, बीच में से स्किप करके जो मेन जो वीडियो का पार्ट है वही देख लेते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आपको वीडियो में शुरू से लेकर बीच बीच में अच्छी अच्छी जानकारी देता हूँ कि कैसे, प्रॉपर जानकारी देता हूँ, आप प्रॉपर जानकारी लेके उस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। इसलिए रिक्वेस्ट है दोस्तों, हाथ जोड़ के आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा करिएगा। तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप भाई के चैनल पर पहली बार इस भाई को देख रहे हो तो चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑलरेडी नोटिफिकेशन दबा के हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि जो आपका टैटू होता है उस पर घाव और इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, कौन सी ऐसी गलतियां जो हम कर देते हैं जिसके कारण से हमें नेगेटिव असर देखने को मिलता है हमारे टैटू के ऊपर। क्योंकि दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, अपना जो न्यू टैटू बनवाने के बाद में थोड़े दिन, दो तीन दिन तो अच्छी तरह से केयर कर लेते हैं, प्रॉपर मात्रा में अच्छी तरह से केयर तो कर लेते हैं लेकिन फिर वो लापरवाही दिखाने लगते हैं। उसमें जैसे कि आप टैटू बनवा लेते हो, आपने खासकर नोटिस की होगी कि आपके टैटू के ऊपर सूजन आ जाती है, जिस भाग में टैटू बना है उस पर सूजन आ जाती है और जैसे जैसे वो ठीक होता है जैसे 4-5 दिन के बाद में आपको उसी पार्ट के ऊपर जहां टैटू अपने बनवाए वहां पे खुजली होने लगती है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने हाथों की मदद से उसे खुजा देते हैं लेकिन खुजाना बिल्कुल नहीं होता, आपको बस हल्के हल्के हाथों टैप टैप करके वहां की जो खुजली होती है उसे शांत करना होता है, ना कि अपने नाखूनों की मदद से खुजाना होता है। वो लोग क्या करते हैं, अपने नाखूनों की मदद से खुजा देते हैं जिसके कारण से इन्फेक्शन हो जाता है और वहां पे आपके टैटू के पार्ट के ऊपर घाव बन जाता है। अब दोस्तों ये तो है कि आपका घाव किस तरह से बन जाता है, आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी जैसे आपको समझना होगा। अब मैं आपको बताऊंगा, आपके अगर घाव ज़्यादा बन चुका है, आपके ऊपर इन्फेक्शन हो चुका तो तुरंत ही आपको कौन सी ऐसी बातें जिसको आपको अवॉइड करना होगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप जिम करते हो, बहुत लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर दोस्तों यही होता है कि जो लोग जिम करते हैं वही बंदे टैटू के शौकीन होते हैं, अपने बाइसेप पे, आर्म पे, वही लोग टैटू बनवाते हैं। लेकिन अगर आप जिम करते हो और अगर आपके टैटू के ऊपर घाव बन चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 4-5 दिन उस हाथ से आप ज़्यादा वेट लिफ्टिंग ना करें, ज़्यादा वजन ना उठाए। मेरी राय मानो तो दोस्तों 4-5 दिन आप जिम ही ना जाइए अगर आपके टैटू के ऊपर घाव बन चुका है, क्योंकि आप जहाँ वहाँ पे अगर वेट लिफ्टिंग करेंगे तो वहाँ पे जो एक्यूप्रेशर है वो बढ़ेगा और जिसके कारण से वहाँ पे पसीना, रोम छिद्र निकल जाएंगे और आपके टैटू पकने की भी संभावना बढ़ जाएगी, आपको बेनिफिट और नहीं मिल पाएगा। अगर आप जो भी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी तेल का इस्तेमाल करो, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको इन्फेक्शन होकर आपका टैटू वहाँ से पक जाएगा। सेकेंड, आपको कौन सी चीज़ अवॉइड करनी है, अगर आप बाहर के जंक फूड के शौकीन हो, अगर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जैसे अंडे के, मच्छी के, या जो मुर्गे उर्गे, तो इन सब के जो नॉन वेजिटेरियन के जो शौकीन है, और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप 10-12 दिन नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें गर्म होते हैं, ये गर्म इतने ज़्यादा कर देते कि हमारे टैटू को पूरी तरह से इन्फेक्शन पहुँचाते थे और हमारे टैटू को बहुत ज़्यादा घाव देखने को मिलता है। अब ये तो रही कि बात दोस्तों आपको कौन कौन सी चीज़ें जो अवॉइड करनी है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जिस टॉपिक की वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आपके टैटू के ऊपर घाव बन चुका है, इन्फेक्शन भी हो चुका, ज़्यादा घाव है तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत घाव है तो थोड़े समय में 1 वीक के अंदर अंदर आपका घाव ठीक हो जाएगा और प्रॉपर मात्रा में जो टैटू का प्रॉपर जो कलर है, जो शेप है, वो पूरी वही की वही रहेगी। अब आपको ऐसी कौन सी जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अपने टैटू को सही करना चाहते हो तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला आपको क्या करना होगा। आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके 14 या 15 रुपए की केमिकल लिक्विड जैसी बोतल है, पानी जैसा उसका लिक्विड आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे आपके यहाँ देख भी सकते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड करके बोतल आएगी, आपको उसे लेके आना है।
और उसके साथ में एंटी बैक्टीरियल रिमूवल वैसलीन आती है। जैसे कि आप देख रहे हो एंटी बैक्टीरियल वैसलीन है, आपको इन दोनों चीज़ों को परचेस करके लाना हो, कहीं भी ज़्यादा नहीं 100 रुपीज़ के अंदर अंदर ये दोनों सामान आ जाएंगे। अब आपको क्या करना होगा, वैसलीन लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, जो हाइड्रोजन पेराऑक्साइड जो लिक्विड है, आपको एक कॉटन की मदद से जिस विस्तार में ज़्यादा घाव हो चुका है 2-3 बूंदें पहले डाल लीजिए। उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से उसके बाद में टैप टैप कीजिए और हल्के हल्के कॉटन की मदद से उस घाव को साफ कर लीजिए। और 2-3 बार दिन में इसे फॉलो करना होगा, लिक्विड की मदद से घाव को साफ करना होगा। आप क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, आपको जो वैसलीन लेके आए हो, जो मैंने आपको बताया एंटी बैक्टीरियल जो वैसलीन लेके आए, उसकी एक मलम पट्टी ना बनाए दोस्तों, मलम जैसे एक परत बना लीजिए, चाहे उसे आप कॉटन की मदद से लगा लीजिए, अपनी उंगली की मदद से लगा लीजिए हल्के हल्के, तो जहां भी घाव बना है आपके, जहां भी आपके टैटू बना है, वहां हल्के हल्के हाथों से उस वैसलीन का अप्लाई कीजिए। और याद रखना, कहीं भी आप बाहर निकलते हो, कहीं भी आप ना टैटू को घाव बनता हुआ दिख रहा ज्यादा, तो आप वैसलीन की परत हमेशा लगा के ही निकलिए। कहीं भी निकलते हो तो वैसलीन की परत आपके जो टैटू के घाव पे, टैटू वाले जो पार्ट है वहां से हटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा अगर अपने टैटू पे लगातार जो वैसलीन की परत लगाए रखते हो तो, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल जो रिमूवल जो वैसलीन है, ये आपके जो अंदर के जो पोर्स खुल जाते हैं जिससे घाव ज़्यादा बन चुका है, ये उससे भर देती है और आपके घाव को पूरी तरह से सुखा के जो आपका रेगुलर जो टैटू की शेप है पूरी तरह से प्रॉपर मात्रा में आ जाती है। इसलिए आपको खास करके ध्यान रख के इस टैटू का, इस वैसलीन का इस्तेमाल करना होगा अपने टैटू के ऊपर। कोई भी जॉनसन बेबी या जो भी आपको टैटू के ऊपर जो भी लगाने के लिए आपको टैटू वाले भाई जो रिकमेंडेड करते हैं, उसे बंद करके आप इस वैसलीन का इस्तेमाल कीजिए। और खास करके ध्यान रखिए, दिन में 2-3 बार हाइड्रोजन पेराऑक्साइड जैसा लिक्विड मैंने आपको बताया 13-14 रुपये की, ज़्यादा दोस्तों कॉस्टली नहीं, अगर आप अपने 5-10 हज़ार का टैटू बनवा सकते हो तो 13-14 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपको 2-3 बार उसे घाव को साफ करना होगा दिन में, और हमेशा आपको वैसलीन का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों ये वीडियो की आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपके ऊपर बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, टैटू बनवाने के बाद आपको न्यू टैटू बनवाने के बाद में आपको कौन कौन सी केयर करनी चाहिए, न्यू टैटू बनवाने के आफ्टर केयर में आपको पूरा पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया। आप जाके इस वीडियो को ज़्यादातर लोग उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, आप जाके उसे देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप न्यू टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी कैसे लगा, वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी बेनिफिट लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते हो पहली बार इस भाई के चैनल पर, तो चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटे का आइकन है उसे भी ऑल की नोटिफिकेशन दबा के हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं लगातार अपने यूट्यूब के ऊपर, तो दोस्तों हमारे चैनल का जरूर फैमिली का हिस्सा बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद।